अकोला जिले के स्वास्थ्य नगर सिंधी कैंप में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला खदान थाना क्षेत्र का है, जहां सौतेली भाई और भाभीनी पीड़ित 11 साल की लड़की पर चोरी का बहाना लगाकर बेरहमी से पिटाई की और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि 2 दिन बाद जब 12 जनवरी की रात के समय बच्ची को लंगड़ाता बाहर देखा गया तो पड़ोसियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तब बच्ची के पीठ, पैर और कमर पर बेरहमी से पिटाई के हरे नीले निशान देखने पर सभी के होश उड़ गए, जिसके चलते आज सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए खदान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां खदान पुलिस के थानेदार धनंजय सारी ने घटना पर मामला दर्ज करते हुए विशाल लक्ष्मण ढांकड़े और निशा विशाल ढांकड़े को विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में लिया है और पीड़ित बच्ची को CWC के हवाले करते हुए उससे बालिका आश्रम रवाना किया। खदान के कवाड़े नगर एरिया में 3 दिन से एक 11 साल की बच्ची को उसका सौतेला भाई और भाभी बहुत बुरी तरह से मारपीट कर रहे थे। इतना मारा है उसको कि शायद उसकी जान भी बच्ची की उसमें जा सकती है। हमारे जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता है, उन्होंने रात में बच्ची को पुलिस स्टेशन में लाया। उनको जैसे ही मालूम हो गया, वो सब महात्मा फुले नगर के सब रहवासी, पुलिस स्टेशन खदान जिला अकोला, यहाँ एक कंप्लेंट आई थी कल, जिसमें ये पता चला कि छोटी एक लड़की है जिसका उम्र 11 साल है, उसके सौतेले भाई ने और उसके मिसेस ने उसको मारा था। इसलिए उसकी रिपोर्ट पर या मेडिकल रिपोर्ट पर हम लोग उस पर कार्रवाई की है। दोनों को हमने हिरासत में लिया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। थैंक यू। जो आरोपी है, जिसका नाम विशाल ढोकने है, उसकी जो